हमने बनाए कुछ बैनर्स फोटोशॉप में शेप्स को यूज़ करके, फिर हमने बनाए कुछ बैनर्स फोटोशॉप में ब्रशेस को यूज़ करके, और आज हम बनाएंगे कुछ बैनर्स फोटोशॉप में टाइपोग्राफी को यूज़ करके। वेल, इसको हम 100% टाइपोग्राफी बेस्ड नहीं कह सकते, क्योंकि डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए मैं शेप्स और ब्रशेस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ होने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप पे, और मैं आपको ये कंटेंट दिखा दूँ। ये मेरे को एक स्पोर्ट्स बैनर बनाना है फुटबॉल के लिए। ये है टैगलाइन और ये थोड़ा बहुत डिटेल्स और हैं, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1080x1080 पिक्सल का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया का स्टैंडर्ड साइज होता है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ, और उसमें मैं बैक कलर कुछ ये वाला ले लेता हूँ। और कलर मैंने कुछ इनमें से ही निकाल के रख लिए थे, जो आप देखोगे ये दो कलर्स हैं। और ये ग्रास से मैंने ये कलर ले लिया था ग्रीन वाला, और थोड़ा सा येलो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, तो हमने सॉलिड कलर ले लिया। अब मैं इसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्सचर डाल रहा हूँ। तो ये टेक्सचर मैं कुछ इस ये वाला डाल रहा हूँ, और इसको मैं पूरा फिट कर लेता हूँ। और अभी इस टेक्सचर को मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ। तो ये लीनियर बर्न मेरे को सही लग रहा है, और अभी ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं इसका फिल थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये ठीक लग रहा है। और जल्दी से सब्जेक्ट ले आते हैं। तो इसका सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और मैं इसको रिसाइज करके पोजीशन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको रख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट सबसे पहले हो गया अपना बी, और मैं यहाँ पे फॉन्ट जो ले रहा हूँ वो मैं हेलवेटिका का फॉन्ट ले रहा हूँ। तो मैंने ये कुछ इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसका जल्दी से कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर के लिए मैं पहले तो ये बी और प्लेयर को सेलेक्ट करके ये वाला कलर कर देता हूँ, और इस ओन को मैं अभी के लिए फिलहाल यही रहने देता हूँ ग्रीन। और मैं इनके क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल जे करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। और मैं इन नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से लेके आ रहा हूँ मैं, मतलब एरो की से राइट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं नीचे भी कर देता हूँ। और अभी मेरे को क्या करना है, ये ओन वाली लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रोक डाल देता हूँ, तो कुछ ये सही रहेगा मेरे को लगता है। 5-4 पिक्सल्स रख देता हूँ, और इसका मैं फिल बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं क्या करना है, अभी मेरे को ये जो नीचे और बैकग्राउंड का लेयर है ये वाला, तो इसमें मैं एक मास्क लगा रहा हूँ, और मैं ब्रश लेके जनरल ब्रश में ये सॉफ्ट ब्रश लेके थोड़ा सा मैं फ्लो कम कर रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। सेम मैं प्लेयर वाले पे भी कर देता हूँ, और योर पे भी कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं इस प्लेयर को और ऊपर वाले योर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ, तो ये दोनों अलग प्लेयर पे ग्रुप हो गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक स्टेडियम का ये ले रहा हूँ इमेज, और मैं इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ, और मैं इस ग्रुप पे क्लिप कर लेता हूँ, और इसको मैं कुछ ओवरले या सॉफ्ट राइट कर लेता हूँ। तो ये ओवरले कर लिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आ गया, और मैं इन सबको थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ, अभी बहुत दूर दूर हो गए, तो कुछ इस तरह से हो गया। और अभी मैं वो सब्जेक्ट जो था हम उसको ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने सब्जेक्ट ऑन कर लिया, और इनको मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ, तो ये मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रास को है पूरा मुझे एक्सटेंड करना है पूरा इधर तक एंड तक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, यहाँ क्लोन स्टेम टूल पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, यहाँ से सैंपल लूँगा, और मेक श्योर करना है यहाँ से ये ऑल लेयर सेलेक्ट हो। तो ये मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ब्रश सॉफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो मैंने ये कुछ ऐसे कर लिया, अभी इतना तो पता नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्लेयर वाली लेयर को सिलेक्ट करके जो सारा टेक्स्ट है इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इन सबको कंट्रोल टी कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक लगेगा,
और अभी क्या हो रहा है, ये लास्ट वाली लेयर है जो पीछे वाली लेयर है, इन सबको मैं वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी दूर हो गए हैं, ये थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं तो ये कुछ इस तरह से सही लगेगा। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इनके पैर से ये ढक रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सही है, पढ़ने में भी आएगा। और ये स्टेडियम वाली जो हमने लेयर डाली थी, क्लिपिंग मास्क करी थी, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अभी मेरे को लग रहा है ये जो इमेज है ये थोड़ा सा इसमें वाइट टोन है, तो इसको मेरे को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एल से लेवल्स पे जा रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये शार्पनेस आ जाएगी अच्छी सी इमेज में, तो कॉन्ट्रास्ट आ गया ये देखिए ना। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट ले लूँगा एक्सपोजर, और मैं इन सबको बिल्कुल कम कर लूँगा, करीब इतना मुझे लगता है ठीक रहेगा। और मैं थोड़ा दूर जाके ब्रश ले रहा हूँ और ब्रश में मैं ये सेम करीब 40% रख रहा हूँ फ्लो, और मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ। और मैं ये कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इफेक्ट बन गया। और अभी मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास ये फ्लेयर्स का कलेक्शन है, ठीक है, तो मैं इसमें से ही कोई भी एक फ्लेयर ले लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये हाईलाइट वाला फ्लेयर ले लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है, तो मैं कुछ इनको इस तरह से इम्पोर्ट कर लेता हूँ और मैं जैसे कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और मैं यहाँ पे स्क्रीन या कलर डोज या लीनियर डोज करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी देखता हूँ, स्क्रीन, कलर डोज या लीनियर डोज, तो मैं इसमें यहाँ पे लीनियर डोज रख लेता हूँ और मैं इसको कुछ इस तरह से रख देता हूँ। और मैं सेम कॉपी करके ये ई के नीचे कुछ रख देता हूँ इस तरह से, एक थोड़ा सा इफेक्ट बन जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमने जो ये स्पॉटलाइट बनाई थी यहाँ पे, इसको और ब्राइट करने के लिए मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट का ओवरले डालूँगा जो कि ये है, तो अब मैं इसको सबसे ऊपर ले जाता हूँ और इस पर भी मैं देखता हूँ क्या काम करता है, स्क्रीन, कलर या लीनियर डोज, तो मैं ये लीनियर डोज ही ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा ब्राइट हो गया बट अभी देख लेते हैं, हम एडजस्ट करेंगे। और मैं इसको कुछ इस तरह से टिल्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये मैंने कुछ इस तरह से ऐड कर दिया स्पॉटलाइट का ओवरले। और मैं यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ तो ये ह्यू सैचुरेशन का पैनल खुल जाएगा, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो सैचुरेशन का कम कर देता हूँ, हल्का सा ब्राइटनेस भी कम कर देता हूँ, ये जो लाइटनेस है इससे ये कवर हो जाएगा सब। और मैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें से एडजस्टमेंट और कर लेता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक मैं नॉर्मल एक लाइन सेलेक्ट कर बना लेता हूँ और मैं वाइट पे जा रहा हूँ, कलर इसको मैं करीब 3-4-5 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ये वाला सेलेक्ट करके मोर ऑप्शंस में मैं गैप्स में 3 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पर ऐसे टिल्ट कर देता हूँ जैसे ये है अपना हमने किया था, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ और मैं सिंपली इसको एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से ब्रश ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और सिमिलरली मैं इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, बट इसको मैं कुछ इस तरह से रोटेट कर दूँगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया है, अभी मैं क्या करूँगा, अगर आप देखोगे ये लाइट ऊपर से पड़ रही है इसको प्लेयर को, तो प्लेयर वाली लेयर पे जाके मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहले ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपोजर ले लूँगा, फिर से क्लिपिंग मास्क कर लूँगा, इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा और मैं कंट्रोल आई करूँगा जिससे इन्वर्ट हो जाएगा ये, और ब्रश क्लियर लेके यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे के साइड में बहुत हल्का सा वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ फोर राउंड पे, कुछ इस तरह से मैं कर दूँगा कि पीछे लाइट नहीं आनी चाहिए,
ऊपर से लाइट आ रही है तो सोर्स गलत है लाइट का, तो कुछ इस तरह से मैं कर दूँगा। तो आप ये देखोगे आप पीछे लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये ऊपर से ही आ रही है लाइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोगो डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे ये कलर कर देता हूँ। और अब मेरे को पहले कंटेंट देख लेता हूँ क्या बचा है। तो कंटेंट में पहले ये हैशटैग लेता हूँ यहाँ से और मैं ये हैशटैग डाल देता हूँ। इसका फॉन्ट में लाइट ले लेता हूँ और इसका मैं ढंग से बढ़ा देता हूँ इसको, कुछ इस तरह से मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को लिखना है वॉच लाइव और 8 PM, तो मैं इनको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। और लास्ट में मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल देता हूँ और कुछ चैनल्स के लोगो डाल देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लाके डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हो गया, थोड़े बहुत मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मैं फाइनली कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेवल्स पे जा रहा हूँ, ओवरऑल सब सारे सारे लेवल्स के ऊपर हल्का सा लेवल मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा करूँगा, बहुत हल्का का लाइट सा। और यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे मैं ब्रश लेके इस लेवल्स को मैं कम कर दूँगा, इस पे लेवल्स ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्राइट हो रखा है उतना। और यहाँ पे मैं फ़ोटो फिल्टर ऐड कर देता हूँ, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा लगता है तो ये वाला मैं डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे ओपेसिटी कम कर देता हूँ थोड़ी सी। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा पहला बैनर जो टाइपोग्राफी यूज़ करके मैंने थोड़ा बहुत बनाया। टाइपोग्राफी एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने मेजरली टाइपोग्राफी पे फोकस किया है, ओके। और बाकी हमने ब्रशेज वगैरह भी यूज़ किए थोड़े बहुत एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए, और ये फ्लेयर्स वगैरह डाले हैं मैंने कि ये थोड़ा सा एक्शन का लगे, मोशन वाला बैनर लगे। और जल्दी से बनाते हैं सेकंड वन। तो मैं आ चुका हूँ फिर से फोटोशॉप पे और सेम वही मैंने डॉक्यूमेंट ले रखा है 1080x1080 पिक्सल पे। और मैं यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दिखा देता हूँ। ये मेरे को बनाना है एक चैरिटी फाउंडेशन के लिए, तो उसमें मेरे को ये लिखना है 8 days of hope come make them smile, तो ये मेरे को छोटा लिखना है, ठीक है। और ये सब जो भी मैं कंटेंट वगैरह आपको दिखा रहा हूँ इसमें सब कुछ डमी है, कोई ओरिजिनल नहीं है, किसी रियल क्लाइंट का नहीं है ये, बट आपको बताने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर ले रहा हूँ, ये 8 वर्ड है, इसको मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ, सॉलिड नहीं ग्रेडियंट लेते हैं इस बार कलर के लिए। तो ग्रेडियंट में जाके मेरे पास कुछ ग्रेडियंट्स हैं, तो मैं कुछ ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन्हीं दो कलर्स का मिला के मैंने बना दिया। और मैं इसको यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ कुछ इस तरह से और ये ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला ग्रेडियंट डाल दिया और अभी मेरे को वो 8 लिखना है, 8 days of hope इस वाली लाइन से करना है। तो पहले मैं 8 लेटर ले रहा हूँ और यहाँ मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। और फॉन्ट जो मैं यहाँ पे लूँगा, इस बार फॉन्ट मैं दूसरा लूँगा, उसमें लूँगा मैं कोडेक लोगो करके कोई फॉन्ट है, मैं ये वाला ले रहा हूँ बोल्ड वर्जन। और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया है, ये बहुत ही बड़ा लिखा है मैंने। मैं भी बताता हूँ इसको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं क्या सॉचिस पे और मैं कलर कुछ ये वाला ले रहा हूँ, कलर में मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ लीनियर डोज, ठीक है। और अभी मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई ये वाली इमेज ले आता हूँ, ठीक है। तो ये एक चैरिटी फाउंडेशन के लिए बनाना है, तो मैं कुछ ऐसे इमेज यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्लिप कर लेता हूँ इसको। क्लिप करने के बाद ये जो बच्चों की इमेज है इसमें मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये चेहरा ना कटे। और यहाँ पे मैं कोई लेयर मोड ट्राई करता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई वाला ट्राई करूँगा, मेरे को लगता है ये ठीक है। और अभी मैं ये जो 8 वाले लेटर पे है इस पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके बेवल एंड निम्बोज पे जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, रीसेट टू डिफॉल्ट कर देना, ठीक है। तो ये आप देखोगे यहाँ एजिस पे बम्प सा आ गया, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इफेक्ट भी बन गया है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये नंबर 8 हो गया, 8 लेटर लिखा हुआ आ गया और ये समझ में भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो साइज़ वगैरह करना है तो, कि फ्रेम में भी रहे और बाहर भी ना जाए,
ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा सा और इसको क्रिएटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इमेज ले रहा हूँ, तो वो इमेज मैं कुछ ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। तो और इसको मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, और मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, और मैं कुछ इन, तो आप समझ गए होंगे मैं इन दोनों जो एट के जो ये हैं होल्स हैं इसके अंदर से मैं इन हाथों को निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एट पे या जो आप ये थंबनेल देख रहे हैं एट का, इस पर मैं कंट्रोल करके क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन बना देगा, ओके। और मैं ये हाथ वाले आइकन पे वापस जा रहा हूँ, हाथ वाली लेयर पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली मास्क क्रिएट कर दूँगा, और यहाँ पे इस मास्क को मैं कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर दूँगा, ओके। और अभी मैं फिर से ब्रश ले रहा हूँ, और ब्रश फुल 100% कर देता हूँ, और इसको मैं फ्लो 100% कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे फोरग्राउंड वाइट सेलेक्ट करके इसको मैं पेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर मैं एक लेयर ले रहा हूँ ब्लैंक, और कुछ इसको क्लिप कर लेता हूँ इस हाथ वाली लेयर पे, और मैं यहाँ ब्रश ले रहा हूँ और डी प्रेस करूँगा जिससे ये ब्लैक आ जाएगा फोरग्राउंड का फोरग्राउंड कलर, और मैं फ्लो कम करके थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश करके यहाँ पे हल्का सा मैं शेडो बनाऊँगा कुछ इस तरह से, और ऊपर भी बना देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये ऐसा लग रहा है कि अंदर से ही हाथ निकल रहे हैं, अगर आपको ये ब्रश ज़्यादा डार्क लग रहा है बट मेरे को लगता है ये ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। और अभी मेरे को बस कुछ नहीं लिखना, कंटेंट लिखना है, वो डेज ऑफ होप, तो ये ले लेता हूँ, और ये भी मैं उसी फॉन्ट से लिखूँगा, स्मॉल कैप्स में लिखूँगा, और इसमें से मैं ये लाइट वाला ले लेता हूँ, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया 8 days of hope, ठीक है। तो ये पढ़ने में भी आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लोगो लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये लिखना है, कम मेक देम स्माइल, ओके। तो ये मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ काफ़ी। अभी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मेरे को हैशटैग लिखना है, चैरिटी इवेंट, हैशटैग चैरिटी इवेंट, ओके गाइस। तो ये हमने थोड़ा बहुत बना लिया, मैंने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लिया, और मुझे लगता है कि ये बस इतना सही है कि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करूँगा इसमें। और अभी मैं आपको यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इस बैनर पे जो पहले वाले बैनर से सारे कलर्स लिए हुए थे, और ये एक चैरिटी फाउंडेशन के लिए बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये तो कलर थोड़े कॉर्पोरेट और उसमें आ जाते हैं, तो मेरे को इसके कलर चेंज करने हैं और बहुत जल्दी करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपली एडजस्टमेंट लेयर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ह्यू एंड सैचुरेशन सेलेक्ट करूँगा, और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये जो पहला स्लाइडर है, इसको मैं जितना यहाँ पे मूव करूँगा उतने नए नए कलर्स मेरे को जनरेट कर देगा ये। तो ये मैं हाथ वाली लेयर के नीचे हूँ, मैं हाथ वाली लेयर को मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये भी कलर हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। फाइनली हमने ये भी बना लिया, तो इसी के साथ मैंने एक एग्जांपल और बनाया है, तो ये कुछ मुझे इतना खास नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, ये भी टाइपोग्राफी बेस्ड ही बोल सकते हैं इसको, कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी वीडियोस का मैं सेकंड पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं, जहां हम काफ़ी डिज़ाइन आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मेरे को बनाना चाहिए या नहीं। आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।